नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पोस्ट में। आज हम खड़े हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के जमुना विहार रोड पर और यहाँ के लोगों से, यहाँ के युवा से जानेंगे क्या है उनकी राय 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो आप बताना चाहेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल जी, जो शिक्षा के फील्ड में काम करेगा हमारा वोट तो उसी को जाएगा, अब चाहे वो कोई भी हो। अच्छा, पहले से कौन करता हुआ है? तो यहाँ से लहर किस चीज़ की चल रही है? लहर तो आपकी भी चल रही है और यहाँ से तिवारी जी का है, तो तिवारी जी फुल लहर में है। अच्छा, यानी कि मोदी जी की? हाँ जी बिल्कुल जी, मोदी जी की है। तो जो शिक्षा को लेकर वादे तो बहुत लोग करते हैं, आपको लगता है यहाँ के जो वादे करें पूरे होंगे? हाँ, अरविंद केजरीवाल ने बहुत से वादे करे हैं, स्कूल बनाए। अच्छा जी। हमने भी 12th पास करी है, तो स्कूल तो काफ़ी बने हैं और शिक्षा के फील्ड में काम भी हुआ है। आपने कौन से स्कूल से 12th पास करी है? RPBV हमने बिहार जी। अच्छा, तो वहाँ पर केजरीवाल ने कार्य काम तो पूरा भरपूर कार्य हुआ है बिल्कुल ही। अच्छा जी। हाँ, हमें लगे कि प्रॉपर फैसिलिटी मिली है और जैसे शिक्षा के फील्ड में फैसिलिटी मिलनी चाहिए प्रॉपर उस तरीके से मिली है। जी अच्छा, तो यानी कि आपके चुनाव आपके वोट आते हैं? जी बिल्कुल, अभी 18+ का हुआ हूँ इस बार, तो लग गए चांस। अच्छा, तो इस बार आपको पहला वोट डालेंगे आप? बिल्कुल जी। तो आपने पहला वोट किसे डालेंगे आप? पहला वोट मैं तो तिवारी जी को डालूंगा, क्योंकि तिवारी जी यहाँ से सही है, उनका काम भी अच्छा है, तो मनोज तिवारी को वोट जाएगा पूरा। जी, जैसा कि युवा ने बताया कि इस बार का वोट पहला वोट है और ये मनोज तिवारी को डालें, यानी कि बीजेपी सरकार मोदी जी को। आइए जानते हैं सर से, सर यहाँ पर किसकी लहर चल रही है? सर इस समय तो देखा जाए तो आम आदमी पार्टी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी की बैटरी रिक्शा दुनिया भर की जो है लग तो रहा है बराबर का मामला है, लेकिन बीजेपी से टक्कर है आम आदमी पार्टी की। सर क्यों कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस की तो शीला दीक्षित है। सर शीला दीक्षित का तो मेरे को नहीं लग रहा है अब की बार जोर, 15 साल राज कर रहा है शीला दीक्षित लगातार। देखो सर ऐसा है, शीला दीक्षित को कोई जोर तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉफीज तो सब जगह खुल रहे हैं उनके, उनकी भी लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन इतनी रैली में उतना दम नहीं है जितना रैली में दम इस समय जो है ना देखा जा रहा है मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी। इस समय आम आदमी पार्टी को ज़्यादा दिखाई दे रही है इलाके के। सर आम आदमी पार्टी ने क्या करी, अपने काम करें? जैसे आम आदमी पार्टी ये कहना चाह रही है कि पूर्ण राज्य का हम करेंगे, पूर्ण राज्य जैसे हो जाएगा तो उसके बाद हम जो है लोगों को अपना उसका घर देंगे या जो भी उनका पूर्ण राज्य होने के बाद रोजगार है वो देंगे, बेरोजगार, क्योंकि उन्होंने देखो हेल्थ में एजुकेशन में काम किया है, तो हो सकता है कि वो काम पूरा करके दिखाए, लेकिन पूर्ण राज्य दिल्ली होना चाहिए। ये होना चाहिए, आपकी राय होना चाहिए जी। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। रोहित जी का कहना है कि पूर्ण राज्य दिल्ली होना चाहिए।